वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक फ्रॉम लोअर लिम। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एनाटॉमी में क्या करने वाले हैं, एक दिन अपर लिम, एक दिन लोअर लिम, एक दिन हेड एंड नेक। इससे क्या होगा, हमारा सिलेबस साथ ही साथ कंप्लीट चलेगा, ठीक है। कि सब चीज़ को हम लोग साथ लेना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स, क्योंकि जैसा कि अभी नए गवर्नमेंट का ऑर्डर आ रहा है कि जुलाई में हो सकते हैं तो एग्ज़ाम, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम अपना फिजियोलॉजी एनाटॉमी जुलाई से पहले ख़त्म कर लें। फिजियो में थोड़े लेक्चर्स रुके हैं, 2-3 दिन से लेक्चर नहीं आया, बट थोड़ा मैं बिजी था। बट आज फिजियो के भी लेक्चर्स आएंगे, एनाटॉमी के भी, अपर लिम भी कल ही आना था बट नहीं आ पाया, लोअर लिम सॉरी, बट वो आ जाएगा। और हमारा एक न्यू पैटर्न होने वाला है कि हम हर टॉप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर का यूनिवर्सिटी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक वीडियो बनाएंगे। एज पर द डिमांड आया है कि आप यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, तो मैंने अपर लिम की तैयारी कर ली है, वो भी आज अपलोड हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अपने लोअर लिम को, फर्स्ट चैप्टर। लोअर लिम जो होता है कि आपको उसका फर्स्ट चैप्टर जो है, दैट इज नोन एज द फ्रंट ऑफ थाई। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए ना, व्हाट इज थाई, थाई ही क्या होता है, ठीक है। तो देखो, थाई इज द पार्ट ऑफ अ लोअर लिम प्रेजेंट बिटवीन हिप एंड नी ज्वाइंट। देखो, आपको मैं हिप ज्वाइंट भी दिखाता हूँ और नी ज्वाइंट भी दिखाता हूँ, देन आपको उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको थाई बोलते हैं, ठीक है। आई शो यू इन फिगर, एक मिनट। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो एक जॉइंट बनता है, ठीक है, यहाँ पे एक जॉइंट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ योर हिप जॉइंट, ठीक है। और यही जॉइंट आपको फिर इधर एक साइड देखने को मिलेगा, यहाँ पे, दैट इज़ योर नी जॉइंट, ठीक है। तो हिप जॉइंट और नी जॉइंट, ये दोनों जॉइंट के बीच का जो स्पेस होता है, दैट इज़ योर थाई। सॉरी सॉरी, मैंने थाई हिप जॉइंट में गलत बना दिया, 1 मिनट। हिप जॉइंट ये वाला होगा, ये देखो, दिस इज़ योर टीबिया, सॉरी फीमर बोन, दिस इज़ योर फीमर बोन, और यहाँ पे जो होता है, दैट इज योर हिप बोन, दैट इज नोन एज द हिप बोन। बहुत इंपॉर्टेंट बोन है, बोन को पढ़ने में हम लोग को बहुत मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत से पढ़ना है इस बोन को। और ये हिप बोन और ये फीमर बोन मिलके बनाता है हिप जॉइंट, ठीक है। और वही जब हम लोग नीचे आएंगे तो दैट इज योर टीबिया, सॉरी दैट इज योर फीमर, दैट इज योर टीबिया, दैट इज योर फिबुला, तो ये तीनों मिलके क्या बनाता है, दैट्स मेक योर नी जॉइंट। तो ये दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग नी जॉइंट, हिप बोल, थाई बोलते हैं। तो चलो ना, तो हम लोग देखते हैं थाई क्या हुआ, आपको बता दिया, इज अ पार्ट ऑफ लोअर लिम विच प्रेजेंट बिटवीन द हिप एंड नी जॉइंट। फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज हमने थाई को 3 रीजन में डिवाइड किया। उसे क्या होता है ना, 3 रीजन में इसलिए किया क्योंकि पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। तो एक बार तो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि कौन सा फ्रंट ऑफ थाई है, कौन सा मीडियल ऑफ थाई है, कौन सा पोस्टीरियर ऑफ थाई है। देखो, इसमें फ्रंट ऑफ थाई मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो आगे वाला स्ट्रक्चर है दैट इज योर फ्रंट ऑफ थाई, ठीक है, दिस इज योर फ्रंट ऑफ थाई। अब मीडियल क्या होगा, सोचो, इमेजिन करना, जहाँ पे मैंने फिगर, हाथ, जहाँ पे मैंने ये लाइन बनाया है वहाँ पे अपना हाथ रखो और उसके मीडियली आओ, मीडियली आओ, तो ये वाला इधर होगा, इधर इधर मीडियली, इमेजिन करो, थ्री डायग्राम नहीं दिखा सकता मैं, ये मीडियली हो गया, दैट इज योर मीडियल ऑफ थाई। और इसके जो पीछे होगा, दैट इज योर पोस्टीरियर थाई, या इसको बैक ऑफ थाई बोलते हैं, जो इसके पीछे होगा, ठीक है। मान लो एक स्ट्रक्चर इसके पीछे भी तो होगा, दैट इज योर बैक ऑफ थाई, या इसको तुम पोस्टीरियर बोलो, पोस्टीरियर थाई, ठीक है। तो 3 कंपार्टमेंट पढ़ते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट, एंड मिडिल कंपार्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज एडक्टर कंपार्टमेंट, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में जानेंगे, एंड पोस्टीरियर ऑफ थाई, ठीक है, बैक ऑफ थाई। तो चलो हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो, अब जो ये तुम्हारा फ्रंट ऑफ थाई है ना, वो कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी बैक ऑफ आर्म। तो जब अपना आर्म वाला पोर्शन हम लोग जब अपर लिम में पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन आपको भी मैं इमेजिन करना होगा अपने आर्म को। देखो देखो, हैंड पता है ना, आर्म होता है, फोर आर्म होता है, इसी तरह से थाई होता है। जैसे आर्म होता है ना हैंड में, उसी तरह से यहाँ लेग में फोर तुम्हारा थाई होता है। तो देखो, हम लोग का जो फ्रंट ऑफ थाई है, वो जो तुम्हारा बैक ऑफ आर्म का सरफेस होता है, दैट्स बैक ऑफ आर्म वाला सरफेस, तुम ध्यान रखो, बैक ऑफ आर्म का जो सरफेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसर सरफेस। और यहाँ जो फ्रंट ऑफ थाई का सरफेस होता है, दैट इज नोन एज द एक्सटेंसर सरफेस। देखो, अगर आपने मेरे पेक्टोरल रीजन के वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको उसमें बताया है कि एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कैसे आप समझोगे, ठीक है। तो जरूर, अगर इस नहीं देखा तो फिर भी जाके वो वीडियो देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन किसको बोलते हैं, कि फ्लेक्शन में जब अपने हाथ को जैसे हम मोड़ते हैं तो एंगल कम होता है, दैट इज द फ्लेक्शन, और जब पूरा एक्सटेंड कर देते हैं तो एंगल ज्यादा हो जाता है, तो एक्सटेंशन। पैर में वही उल्टा हो जाता है, ठीक है, पैर में ये कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, बट आप जब करोगे ना, देखो, जब अपना पैर को मोड़ लोगे तो क्या होगा, एक एंगल बड़ा हो जाएगा, तो एंगल जहां बड़ा होगा वो हो जाएगा एक्सटेंशन। तो जब आप पैर मोड़ोगे तो क्या होगा, आपका आगे वाला सरफेस जो होगा वो, दैट इज योर एक्सटेंसर सरफेस, एंड द जो पीछे वाला पार्ट होगा ना, पोस्टीरियर वाला, दैट इज फ्लेक्सर सरफेस, भाई हैंड में उल्टा होता है, ठीक है। तो मैं आपको फिगर से क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी।
नाउ वी कम टू द सुपरफिशियल फेशिया। देखो इसका जो सुपरफिशियल फेशिया है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेशिया। इसके पास दो लेयर्स होती हैं, दैट इज द सुपरफिशियल फैटी लेयर एंड द डीप मेम्ब्रेनस लेयर। ये दोनों लेयर जो होती है ना, अब देखो सुपरफिशियल फेशिया में दो लेयर्स थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे देखो, जैसे आप इमेजिन करो अपने एब्डोमिनन को, तो एब्डोमिन के नीचे जो होती है ना, ये दोनों लेयर तुम्हारे अलग अलग हो जाती हैं, बट एब्डोमिन के ऊपर यही लेयर, देखो नॉर्मली क्या है ना, ये लेयर नीचे से ऊपर आ रही, नीचे से ये लेयर्स ऊपर आ रही, तो एब्डोमिन में क्या होगा ना, ये दोनों लेयर आपस में एक ही रहती है। सुपरफिशियल फेशिया में जो दो लेयर है ना, सुपरफिशियल फैटी और डीप मेम्ब्रेनस, ये दोनों लेयर सेम ही रहती है एब्डोमिनल के वॉल में। ये दोनों ज़्यादा डिस्टिंक्ट कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको डिफरेंट कहाँ देखने को मिलेगी, अपर ऑफ पार्ट ऑफ थाई में, और वहाँ पे भी ग्रोइन रीजन में, ठीक है। क्योंकि उस ग्रोइन रीजन में क्या होता है ना, बहुत सारे नर्व्स वेसल्स लिम्फ आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मैं चिंता मत करो, फिगर दिखा, मैंने क्या बोला था कि कुछ मतलब आपके जो ये जो दोनों सुपरफिशियल फेशिया के लेयर है ना, वो ग्रोइंग रीजन में क्या होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं। तो देखो दिस इज योर फोल्ड ऑफ ग्रोइन, और इसको दैट्स कॉल कह सकते हैं ग्रोइन रीजन होगा, ठीक है। ये वाला रीजन जो होता है ना, ग्रोइंग रीजन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे नर्व्स वेसल्स देखने को मिलते हैं, तो आई विल शो यू। देखो इसी रीजन में तुमको क्या देखने को मिल रहा है, इस रीजन में तुमको देखने को मिल रहा है, देखो इसी रीजन में तुमको देखने को मिल रहा है, आर्टरी देखने को मिल रहा है, वेसल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी हम ऊपर वाला जो डायग्राम है दैट देख सकते हैं, उसमें तुमको नर्व्स देखने को मिल रहा है। तो ये तुम्हारे ग्रोइन रीजन में तुम्हारे दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा आर्टरीज नर्व वेसल्स पाया जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द आवर टॉपिक, बैक इन द टॉपिक, ठीक है। सॉरी, हाँ, नाउ द मेम्ब्रेनस लेयर एडहेरेंट टू द डीप फेशिया ऑफ थाई एक्सेप्ट नियर द इंग्वेनल लिगामेंट वेर इट अटैचेस टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो मेम्ब्रेनस लेयर जो होता है ना, वो मतलब जो मेम्ब्रेनस लेयर जो तुम्हारा डीप लेयर होता है, दैट इज द मेम्ब्रेनस वन सुपरफिशियल फेशिया में, वो डीप फेशिया से जुड़ा रहता है, ठीक है, थाई के, बट कुछ जगह पे नहीं होता, दैट इज द एरिया ऑफ इंग्वेनल लिगामेंट, जहाँ पे ये अटैच होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, दैट्स लाइन इज अ होल्डन्स लाइन, जो कि प्यूबिक ट्यूबरकल के 8 सेंटीमीटर लेटरली प्रेजेंट होता है। तो देखो ये फिगर देखो, आपको पूरा क्लियर होगा। देखो दैट इज योर होल्डन्स लाइन, देख रहे हो। तो वही कह रहा था कि जो मेम्ब्रेनस लेयर है ना, वो डीप फेशिया से हर जगह लगभग जुड़ा रहता है, बट वो सिर्फ क्या बोलते हैं ना, ये इंग्वाइनल लिगामेंट इसको बोलते हैं, दैट इज योर इंग्वाइनल लिगामेंट। अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा, दैट इज योर एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, दैट इज योर प्यूबिक ट्यूबरकल, दैट इज योर प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। तो अब आप समझना होगा कि प्यूबिक ट्यूबरकल क्या होता है। तो ये देखो प्यूबिक ट्यूबरकल आपको यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। तो इन दोनों के बीच में जो एक लिगामेंट अटैच होता है, दैट इज द इंग्वाइनल लिगामेंट, और इसी प्यूबिक ट्यूबरकल से 8 सेंटीमीटर लेटरली एक लाइन बनती है, एंड दैट्स लाइन इज नोन एज दी हॉल्डन्स लाइन, ठीक है। इसको हम लोग हॉल्डन्स लाइन बोलते हैं। तो आपको क्या बोला कि मेम्ब्रेनस लेयर जो सुपरफिशियल फेशिया की थी, वो अटैच थी लगभग हर जगह, बट वो कहाँ पे नहीं थी, बिकॉज ऑफ द नियर द इंग्वाइनल लिगामेंट वो नहीं थी, बिकॉज वहां पे वो एक लाइन से अटैच हो गई। मेम्ब्रेनस लेयर इज अटैच टू द लाइन, एंड लाइन इज नोन एज दी हॉल्डन्स लाइन से अटैच हो गई, ठीक है। अब देखो इस हॉल्डन्स लाइन का कुछ इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखो दिस इज योर एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है, ये एब्डोमिनल पार्ट है। यहाँ पे होगा पेरिनियम, ठीक है, यहाँ पे होगा पेरिनियम। पेरिनियम में क्या होगा कि अगर मान लो कि यूरेथ्रा का फ्रैक्चर हो गया, तो यूरेथ्रा का अगर फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो यूरिन क्या होता है, एक्स्ट्रा वेसिएट हो सकता है, अपलोड होने के बाद ये थाई में इंटर कर सकता है, ये थाई में इंटर कर सकता है। बट बिकॉज ऑफ दिस लाइन, बिकॉज ऑफ दिस होल्डन्स लाइन, यूरिन जो है वो पास नहीं कर पाता, यूरिन जो होता है वो इस लाइन के आगे नहीं आ पाता, ये ऊपर ही रह जाता। तो ये इट इज द इम्पॉर्टेंट, अगर देखो यूरिन आ जाएगा तो एडिमा कॉज हो सकता है, बहुत सारे बहुत चीज हो सकता है ना, तो मतलब ये चीज आपको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है ऑल्डन्स लाइन के। तो नाउ वी गो फॉर द राइटिंग पर्पस, कि हमने राइटिंग में क्या लिखा है वो भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने बताया होल्डन्स लाइन बिगन्स लेटरली टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, दिखाया उसके 8 सेंटीमीटर लेटरली क्या होगा, होल्डन्स लाइन। ओके, नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डन्स लाइन। व्हेन यूरेथ्रा इज इंजर्ड इन द पेरिनियम, बिल्कुल, यूरिन में फ्लो आउट इन द मेम्ब्रेनस लेयर, मेम्ब्रेनस लेयर में फ्लो आउट कर सकता है मेम्ब्रेनस लेयर के थ्रू, ठीक है। मेम्ब्रेनस लेयर में अगर यूरिन आ जाता है, मेम्ब्रेनस लेयर इज व्हाट, सुपरफिशियल फेशिया का मेम्ब्रेनस लेयर, अगर यूरिन मेम्ब्रेनस लेयर में आ जाता है, कैसे आए, यूरिन कैन इंटर इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, बिल्कुल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल क्या है, उसी एंटीरियर साइड ही तो यूरेथ्रा प्रेजेंट है, यूरेथ्रा को इमेजिन करो, और वहां पे एब्डोमिनल वॉल है, तो यूरिन कैन इंटर इनटू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल फ्रॉम वेयर यूरिन इंटर्स द अपर पार्ट ऑफ द थाई, वहां से यूरिन क्या होता है, थाई के अपर पार्ट में आ सकता है। बट अटैचमेंट ऑफ मेम्ब्रेनलेस और सुपरफिशियल फेशिया, एसएफ इज नथिंग बट द सुपरफिशियल फेशिया,
मतलब अटैचमेंट ऑफ मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया टू दी डीप फेशिया अलॉन्ग होल्डन्स लाइन के अलॉन्ग डीप फेशिया से अटैच हो जाता है दैट प्रिवेंट्स द यूरिन डिसेंडिंग टू थाई बियॉन्ड होल्डन लाइन, यही प्रिवेंट करता है यूरिन को कि होल्डन्स लाइन से तुम्हारा, ठीक है, होल्डन्स लाइन के कारण वो यूरिन नहीं आ पाता आगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सुपरफिशियल फेशिया है उसे कुछ कंटेंट्स होता है, व्हाट आर द कंटेंट्स आर देयर, हम लोग बस इस वीडियो में उन्हीं की बात करेंगे, इन कंटेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन इन सबसे नहीं आने वाला, ये बचा लो, बस हो सकता है वाइवा में आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डन्स लाइन पूछ ले और कुछ नहीं, बस आप मेरा क्यूटेजनेस जो भी मैं सुपरफिशियल फेशिया का बताऊंगा मैं तो स्पीड में बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा, क्योंकि ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इसलिए बताता हूँ, बस थोड़ा थोड़ा बात आपके बारे में पढ़ लो। क्यूटेनियस नर्व्स होंगे, क्यूटेनियस आर्टरी होगी, टर्मिनेशन ऑफ सेफनस वेन एंड ट्रिब्यूटरीज, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। चलो अब तो क्यूटेनियस नर्व्स क्या होंगे, ये सप्लाई करेंगे स्क्रीन इन द फ्रंट ऑफ थाई, देखो थाई के फ्रंट में जो स्किन होगी ना उनको ये सप्लाई करेगी, दैट इज योर क्यूटेनियस नर्व्स, विच सेंसेशन प्रोवाइड करेगी क्यूटेनियस, सेवन क्यूटेनियस नर्व है और ये दीज आर द डिराइव फ्रॉम दी लंबार प्लेक्सस, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग अभी सिर्फ नर्व्स के बारे में बताते हैं, इलियो इंग्वाइनल नर्व जो कि इसका रूट वैल्यू है L1, इट सप्लाइज द जेनाइटल रीजन, ठीक है। जेनाइटल रीजन में बहुत सारे, जैसे मॉन्स प्यूबिस हो गया, स्कॉटम हो गया, बहुत सारे एरिया हो गया, तो हम लोग सीधे कलेक्टिवली टर्म बोल देते हैं जेनाइटल रीजन को सप्लाई करते हैं। अनदर वन द फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फीमोरल नर्व, ठीक है, दैट इज द फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फीमोरल नर्व, इस रूट वैल्यू इज L1 L2, सप्लाई द स्किन ओवर द फीमोरल ट्रायंगल, फीमोरल ट्रायंगल में पढ़ेंगे तो उसके ऊपर की स्किन को सप्लाई करेगी फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल। नाउ वी कम टू लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, देखो इसके दो डिवीजन होंगे, एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन, द रूट वैल्यू इज ऑल्सो L2 L3, इस सप्लाइज टू दी एंट्रो लेटरल साइड ऑफ द अपर थाई, थाई का जो अपर थाई होगा ना, अपर थाई में भी आप कह सकते हो अपर थाई लोअर थाई, तो अपर थाई का एंट्रो लेटरल, देखो दिस इज योर अपर थाई मान लो, तो दिस इज योर मीडियल साइड, दिस इज योर लेटरल साइड, दैट इज योर एंटीरियर, अदर ऑन द पोस्टीरियर, एंट्रो लेटरल इज दिस साइड, एंट्रो लेटरल, सीधा सीधा देखो ये सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है यार, इसलिए मैं इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, बिकॉज ये कुछ काम का नहीं है, मतलब सिर्फ पढ़ लो, पढ़ना तो है, मजबूरी है, हर चीज पढ़ना है। नाउ मीडियल क्यूटेनियस ऑफ थाई सप्लाई द स्किन ऑन द मीडियल साइड ऑफ थाई, देखो लेटरल क्यूटेनियस था तो एंट्रोलेटरल साइड को सप्लाई किया, तो ये तुम कह सकते हो मीडियल साइड ऑफ थाई को सप्लाई करेगा, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है, रूट वैल्यू L2 L3 सेम ही है। इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व सप्लाई द स्किन ऑफ फ्रंट ऑफ थाई एज फार डाउन एज द नी, मतलब फ्रंट ऑफ थाई को स्किन को सप्लाई तो करेगा साथ साथ, मतलब जो नी के साइड आ रहा होगा, जो नी ज्वाइंट बन रहा होगा, देखो नी ज्वाइंट के ऊपर अपर देयर इज योर थाई, ठीक है, देखो तो ये नी ज्वाइंट हुआ ना, तो इसके इस एरिया में देखो इंटरमीडिएट, देखो लेटरल वाला था वो एंट्रोलेटरल को सप्लाई किया, मीडियल मीडियल हो करेगा तो इंटरमीडिएट बीच वाले हो करेगा, कॉमन सेंस ब्रो, आप लोग अच्छे से समझो, ये सब कुछ नहीं है खास। नाउ वी हैव टू टॉकिंग अबाउट द सेफनस नर्व, ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे इस फीमोरल नर्व का इस चैप्टर में। फीमोरल नर्व इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व, इट गिव्स द इंफ्रापेटलर ब्रांच, ठीक है, फिगर अभी दिखा रहा हूँ सारा क्लियर हो जाएगा। इफ इंफ्रापेटलर ब्रांच देता है सप्लाई द स्किन ओवर लिगामेंटम पेटेले, जो लिगामेंटम पटेली होती है उसके ऊपर की स्किन को सप्लाई करता है, ठीक है। अब लोग जो पटेला देखे होगा ना, पटेला में लिगामेंटम पटेला, ठीक है, एंटीरियर स्ट्रक्चर है, तो इनको लिगामेंटम पटेला सप्लाई करता है। नाउ द क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व, ठीक है, इट लोअर वन थर्ड ऑफ द मीडियल ऑस्पेक्ट ऑफ द थाई, ये भी मीडियल ऑस्पेक्ट के लोअर वन थर्ड को सप्लाई कर रहा है, देखो अपर मीडियल साइड को सप्लाई कर रहा था इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और लोअर वन थर्ड सप्लाई कर रहा है मीडियल ऑस्पेक्ट ऑफ थाई, तो सिंपल सी बात है। नाउ वी एम टॉकिंग द पटेरल प्लेक्स, उससे पहले फिगर देख लो, देन विल लीड टू मोर क्लियर अबाउट द नर्व्स। दिस इज योर इलियो इंग्वाइनल नर्व सप्लाईज द जेनाइटल रीजन, फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फीमोरल नर्व, ठीक है, देखो फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फीमोरल नर्व। Now, what is the supply of femoral branch of the femoral nerve? Now, सीधे बोल देता हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, जो जो मुझे कुछ समझ में आता बताता हूँ, दिट सप्लाई द फीमोरल ट्राइंगल, तो मुझे हर चीज़ तो मुझे भी याद नहीं रह सकता, सप्लाई द स्किन ओवर द फीमोरल ट्राइंगल, ओके, ये सीधा सीधा बात है, सिंपल सी बात है, ओके। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है आजकल, थोड़ा संभाल बचा लेना मेरे चैनल को यार, बट क्या करो, समझाने में मुझे टाइम लग जाता है, और कोई बात नहीं। नाउ दिस इज योर फीमोरल ब्रांच, नाउ लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई बताया था, जो एंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द थाई को सप्लाई करेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जो फ्रंट ऑफ थाई एज फार नाउ एज नी को सप्लाई करेगा। नाउ देयर इज अ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है, मीडियली सप्लाई करेगा। नाउ दिस इज योर सेफनस नर्व बताया था, जिसका ब्रांच होगा इंफ्रापेटेलर ब्रांच, दो लिगामेंटम पेटेली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उस एरिया को सप्लाई करेगा, दिस इज द इंफ्रापेटेलर ब्रांच, ठीक है। क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द ऑब्टुरेटर नर्व,
दिस इज द क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द ऑब्टेटर, लोअर वन थर्ड ऑफ द थाई को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नाउ हमारे तीन आर्टरीज हैं, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द थ्री आर्टरीज एंड थ्री वेन्स। देर इज द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन एंड आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन एंड आर्टरी, एंड सुपरफिशियल सर्कम्फ्लेक्स वेन एंड आर्टरी। तो चलो सारे का बाद देखते हैं हम लोग क्या है। क्यूटेनियस आर्टरीज, थ्री थ्री स्मॉल आर्टरीज अराइज फ्रॉम द फीमोरल आर्टरी। देखो दीज आर दी ब्रांचेज ऑफ फीमोरल आर्टरी लिटिल बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट नीचे से ये अराइज होती है। देखो सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी है, सप्लाई एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एबडोमिनल वॉल। ठीक है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक क्या करेगी, लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एबडोमिनल वॉल को सप्लाई करेगी। नाउ दी सुपरफिशियल सर्कम्फ्लेक्स एरियल आर्टरी। तो मैंने आपको ये चीज अभी दिखा दिया है इसमें। देखो सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, सुपरफिशियल एपी गैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कम्फ्लेक्स इलियक। ठीक है, तो ये चीज देखो सुपरफिशियल एपी गैस्ट्रिक वैसा देख रहे हो ऊपर की ओर जा रही है, दैट इज ऊपर की ओर, दिस इज योर इंग्वाइनल लिगामेंट। इसके जस्ट नीचे से देख रहे हो तीन ब्रांचेज आ रही है फीमोरल आर्टरी की। अब देखो सुपरफिशियल एपी गैस्ट्रिक कहाँ जा रही है, एबडोमिन के पास जा रही है, तो एबडोमिनल वॉल को सप्लाई करेगी सेंसरी से, सॉरी ये तो ब्लड सप्लाई करेगी। दैट इज योर सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेसल, ये जेनिटेलिया की तरफ जा रही है, देख रहे हो जेनिटेलिया की तरफ जा रही है, देन सप्लाई द जेनिटेलिया रीजन। समझ जाए करो बस। नाउ वी कम टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द वेन्स एरिया, जो सेफनस वेन है ना, मेन ग्रेट सेफनस वेन, यहाँ पे लॉन्ग सेफनस बोलो ग्रेट सेफनस बोलो बात एक ही है, द लॉन्ग एंड ग्रेट सेफनस वेन। देखो मैं इस वेन के बारे में पूरा डिटेल भी बताऊंगा, बट अभी आपको जितना जानना है उतना आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट वेन है ये। ठीक है, मजाक में नहीं करना इस वेन के साथ, वरना ये आपके साथ मजाक कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट वेन है, इसके बहुत सारे क्लिनिकल्स भी हैं, फर्दर क्लासेस में हम लोग वो भी देखेंगे। चलो तो इस वेन की शुरुआत से करते हैं। देखो दिस वेन जो अराइज होती है, दैट इज अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल वेनस आर्च ऑफ फूट। इसको कह सकते हो ये वेन अराइज नहीं होती है फूट के डोर्सम वाले एरिया से, और डोर्सम में भी कहाँ से, डोर्सल वेनस आर्ट से, अलोंग द मीडियल मेल्योलस। देखो अपने हाथ पे अपने पैर पे इमेजिन करना नीचे में जाके कि एक उभरा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज नोन एज द मीडियल मेल्योलस। तो वहां से ये निकलती है, देन इट रन्स मीडियली। उसके बाद क्या होता है ना कि मीडियल ऑस्पेक्ट ऑफ थाई में जाता है। ठीक है, देखो यहाँ से ये क्या आ रहा है, आ रहा आ रहा है, जिसका ये मीडियल ऑस्पेक्ट ऑफ थाई में जाता है, मीडियल ऑस्पेक्ट ऑफ थाई में जाता है। देन आफ्टर ये क्या करता है, ये इंक्लिनेशन करता है, देखो यहाँ से यहाँ इंक्लाइन किया, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज द क्रिबरी फ्रॉम फेशिया। ठीक है, देखो डी फेशिया ही यहाँ पे क्रिबरी फॉर्म हो जाता है। क्रिबरी फॉर्म इज नथिंग मतलब छन्ना समझते हो, उसी तरह छानने के समान एक फेशिया बन जाता है जिसमें क्रिबरी फॉर्म फेशिया, और ये जो ग्रेट सेफनस वेन है उस फेशिया को पियर्स करता है और फीमोरल वेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आपको बस इतना ही चीज़ समझना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। देख रहा हूँ यहाँ फीमोरल वेन है, इसी फ्रेन वेन में जाकर इसका ड्रेन करता है, इसी को हम लोग सेफनस ओपनिंग बोलते हैं, जिसमें वेन अंदर जाता है, दैट्स नोन एज सेफनस ओपनिंग, दिस इज योर ग्रेट सेफनस वेन। तो आपको बस याद रखना है डॉर्सम ऑफ फूट से निकलता है विद द हेल्प ऑफ द डॉर्सल वेनस आर्च अलोंग द मीडियल मेल्यूलस, इट इंटर्स इनटू द मीडियल साइड ऑफ द थाई बिहाइंड द नी। देखो दिस इज योर नी पोर्सन, नी के पीछे से जाता है बिहाइंड द नी एंड कम्स आउट इंक्लिनेशन एंड ड्रेन इनटू द फ्यूमरल वेन विच क्रॉसेस द क्रिबरी फ्रॉम फेशिया अलॉन्ग दी सेफनस ओपनिंग। सेफनस ओपनिंग के अंदर जाएगा, क्रिबरी फ्रॉम फेशिया को पियर्स करेगा और ड्रेन कर देगा, जाके अपने यहाँ से ब्लड लेके आएगा और जाके फीमोरल वेन में दे देगा। तो दिस इज योर द थर्ड पार्ट ऑफ योर सुपरफिशियल फेशियल कंटेंट। देखो मैक्सिमम आपको कहीं भी जो भी लेक्चर मिलते हैं ना, तो वो आपको इन सब बारे में नहीं बताते, बट मेरा मानना है कि मैं चैप्टर के हर एक पॉइंट को डिस्कस करूँ, जितना लेस इंपॉर्टेंट है तो कम बताऊँ, लेकिन बताऊँ जरूर। फिर लेक्चर बड़ा हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। बट देखो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ये नंबर और साइज दोनों में वेरी करता है, दो सेट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नोड्स ऑफ अपर हॉरिजॉन्टल सेट बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट डिवाइड टू अपर लेटरल एंड अपर मीडियल। अब देखो इतना बात को मैंने बता देता हूँ पहले आपको फिगर में, देन आपका आगे लेके चलता हूँ। देख रहे हो बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट जो तुम्हारा अपर पार्ट में, सबसे पहले देखो दो पार्ट में नोड्स डिवाइड होते हैं, दैट इज दी वर्टिकल, देख रहे हो दिस इज सॉरी दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, दिस इज योर वर्टिकल, लोअर वर्टिकल सेट ऑफ नोड्स एंड अपर हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ। बाद में ये जो अपर हॉरिजॉन्टल है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अपर लेटरल, दिस इज योर अपर लेटरल क्योंकि लेटरल साइड प्रेजेंट है, दिस इज योर अपर मीडियल। देखो यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल है, तो प्यूबिक ट्यूबरकल हमेशा मीडियल साइड होगा, तो इससे समझ लेना कि दिस इज योर मीडियल साइड। ठीक है, नाउ द लोअर वर्टिकल सेट ऑफ लोड, देखो इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए अलॉन्ग दी लॉन्ग सेफनस वेन या ग्रेट सेफनस वेन,
ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या लिखा है, बस उसका वीडियो खत्म करते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा डीप फेशिया का आएगा, बहुत सारे वीडियोज अभी इस चैप्टर में आने बाकी है। डिफरेंट लिम वेसल्स फ्रॉम सुपरफिशियल नोट्स ऑफ द लोअर वर्टिकल सेट ऑफ लाई अलॉन्ग द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेट साइफनस वेन, बताया ना आपको ग्रेट साइफनस के अलावा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो अभी हम लोग सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड के बारे में पढ़ा, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट है। तो जो इनसे लिम्फ लेके जाएंगे, देखो जो आए थे वो एफरेंट थे, जो लिम्फ आए थे नाउ इससे इफरेंट हो जाएंगे, और इफरेंट कहाँ जाएंगे, दैट इज द डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, नाउ द चैप्टर द टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड सुपरफिशियल, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक द डीप फेशिया नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।